अभी फ्रेंड्स अगर यहाँ पे अगर आप चलाते हैं व्हाट्सअप, कोई भी व्हाट्सअप हो, तो अगर आप चलाना चाहते हैं व्हाट्सअप चैनल, यानी कि व्हाट्सअप चैनल बनाना चाहते हैं, तो किस तरह से आप अपने मोबाइल फ़ोन से व्हाट्सअप चैनल क्रिएट करेंगे, आज की इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ। सो गाइस, मैं हूँ सुजीत सैनी, स्वागत करते हैं आप सभी का सुजीत टेक पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए फ्रेंड्स, दिन का वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको हम बारी बारी से बताते हैं कि आप अपने व्हाट्सअप चैनल को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। जिस तरह मतलब कि व्हाट्सअप ग्रुप रहता है, सेम उसी तरह से वो ग्रुप रहता है जिसमें आप कुछ डाल सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लेकिन आपका पर्सनल जो नंबर है या मैटर है वो लीक नहीं होगा, किसी के पास नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये यूट्यूबर या बिजनेसमैन के लिए बहुत ही अच्छा है। तो ये कैसे बनाना है अपने व्हाट्सअप चैनल को, सबसे पहले आपको यहाँ पर व्हाट्सअप को ओपन करना है। आप मैं यहाँ पे बिजनेस व्हाट्सअप को ओपन कर लिया हूँ, खास करके आप बिजनेस व्हाट्सअप ओपन कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। इस तरह से ओपन करने के बाद फ्रेंड्स सिंपल से करना क्या है, तो देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे अपना बिजनेस व्हाट्सअप को ओपन कर लिया है। और जैसे इसमें देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है चैट्स, यहाँ पे कॉल्स और यहाँ पे अपडेट्स, यहाँ पे टूल्स। तो ठीक सिंपल से आपको यहाँ पे अपडेट्स वाला ऑप्शन में आना है और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं 3 डॉट्स ऊपर दिया हुआ है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑप्शन है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा यहाँ से क्रिएट चैनल, ठीक है। सिंपल से इसी वाला ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अगर आपके मोबाइल में आपके व्हाट्सएप में इस तरह का फीचर नहीं आ रहा है क्रिएट चैनल का, तो आप अपने बिजनेस व्हाट्सएप को के यहाँ से अपडेट कर लीजिए प्ले स्टोर में जाकर के। उसके बाद आपके सामने इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा, तो सिंपल से यहाँ क्रिएट चैनल पर क्लिक कर देना है आपको। क्रिएट चैनल पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से ऑप्शन आएगा, सिंपल से यहाँ पे कंटिन्यू वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है आपको। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है चैनल नेम, जो भी नाम से आप चैनल बनाना चाहते हैं उस नाम को आपको यहाँ पे लिख देना है। जैसे कि मानकर चलिए कि हमको एक नाम लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सुजीत साइबर कैफ़े, ठीक है। मैंने सुजीत साइबर कैफ़े लिख दिया। उसके बाद फिर से यहाँ पे अगर चाहते हैं आप कुछ लोगो लगाना, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये फ़ोटो जो लगा हुआ है यहाँ पर, कुछ इस तरह से यहाँ पर आप एक फ़ोटो लगा सकते हैं, ठीक है। मानकर चलिए कि यहाँ पर कोई एक फ़ोटो हम लगा देते हैं, कुछ लोगो लगाना हो तो आप यहाँ से लगा सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर कुछ एक लोगो लगा लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ से लोगो लगाना है, यहाँ से यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक लोगो लगा दिया, यहाँ पे अपना पिक्चर, ठीक है। इस तरह से हमने एक पिक्चर को अपना यहाँ पे लगा दिया सिलेक्ट करके, ठीक है। देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे पिक्चर लगा दिया और डन पे क्लिक कर दिया मैंने। और यहाँ पर लिखा हुआ नीचे क्रिएट चैनल, इस पर क्लिक करना है आपको। जैसे फ्रेंड्स क्रिएट चैनल ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, तो आपका जो है कुछ सेकंड्स के बाद आपको यहाँ पे चैनल क्रिएट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है क्रिएटिंग चैनल, तो यहाँ पे हमारा जो चैनल है क्रिएट हो रहा है, कुछ इस तरह से देख सकते हैं, ठीक है। कुछ सेकंड्स का समय लगेगा। इससे फ्रेंड्स आपको फ़ायदा ये होगा कि आप जब भी कुछ डालते हैं, जैसे व्हाट्सअप ग्रुप में, उसे अगर आप व्हाट्सअप चैनल वाला ग्रुप में डालते हैं, तो आपको वहाँ से कस्टमर जो है देख भी सकता है, आपसे काम कराएगा और चाह कर भी आपके ग्रुप को छेड़खानी नहीं कर सकता है, जिस तरह की जैसे व्हाट्सअप ग्रुप को करता है, ठीक है। तो फिर देख सकते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पे व्हाट्सअप चैनल यहाँ पर क्रिएट कर दिया, तो फिर मेरा लिखा हुआ आ गया, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पर सुजीत साइबर कैफ़े के नाम से मेरा ये ग्रुप बन गया।